कक्षा सात गणित, मैं आरएस प्रसाद सर आज आप लोगों को अध्याय 17 की सांख्यिकी, इसकी प्रश्नावली 17.2 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक उदाहरण दो दिया हुआ है। ये नीचे दिए गए दंड आलेख अरुण के द्वारा वर्ष 2000 से 2004 तक बनाए गए रनों की संख्या दी गई है। इन आरेखों का अवलोकन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है आपका, इस दंड आरेख से क्या जानकारी मिलती है? तो देखो क्या उत्तर दिया हुआ है। ये दिए गए दंड आरेख वर्ष 2000 से 2004 तक में अरुण द्वारा बनाए गए रनों की संख्या को प्रदर्शित किया है, यानी प्रदर्शित करता है इसको। नंबर दो प्रश्न है, वह वर्ष बताइए जिसमें अरुण द्वारा बनाए गए रनों की संख्या न्यूनतम है। तो देखो न्यूनतम क्या है, सबसे कम ये वाली है संख्या, ये वाली कितना है, 400 है। तो 2000 में इसने सबसे कम रन बनाए थे, तो यही लिखा हुआ है। चूंकि 2000 के संगत दंड की ऊंचाई सबसे कम है, अतः 2000 में बनाए गए रनों की संख्या न्यूनतम है। कितनी है, वो भी 400, तो 400 भी लिख सकते हैं। नंबर तीन प्रश्न है, किस वर्ष में अरुण ने सर्वाधिक रन बनाए? तो देखो किसमें सबसे ऊंचा है स्तंभ, ये वाला सबसे ऊंचा है, इसमें सबसे ज्यादा बनाए, कौन सा सन है ये, 2003। तो ये देखो लिखा हुआ है, क्योंकि 2003 के संगत दंड सबसे अधिक ऊंची है, इसलिए इसी वर्ष सबसे अधिक रन बनाए गए हैं। नंबर चार देखिए, क्या अरुण हर वर्ष पिछले वर्ष से अच्छा खेलता है? ऐसा नहीं है, देखो यहां पर ये खराब खेला है, इस जगह पे ये खराब खेला है, यहां पर भी ये खराब खेला है, तो नीचे रह गया, पहले से नीचे हो गया, ये पहले से नीचे हो गया। तो यहीं पर ये क्या आंसर हुआ, नहीं, क्योंकि अरुण ने 2002 में 2001 से कम रन बनाए, इसी प्रकार 2004 में भी 2003 से कम रन बनाए, जो मैंने यहां दिखाया था आपको। तो इस तरीका से हम दंड चित्रों की सहायता से हम अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। चलते हैं अगले उदाहरण की तरफ। ये है उदाहरण तीन, नीचे दिए गए दंड आरेख में विद्यालयों की दे रखा है ए बी सी डी ई में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत दिया गया है, इसका अवलोकन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए क्या ये दिया हुआ है, विद्यालय दे रखे हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, और इधर उत्तीर्ण प्रतिशत दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 करके दिया हुआ है। तो चलते हैं पहले वाले प्रश्न पे। नंबर एक, किस विद्यालय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत सबसे कम रहा? तो सबसे नीचे दंड जो है कौन सा है, सी का रहा है, देखो ये सबसे नीचे रहा है, कितना है, 40 पर ही है। तो ये है आपका उत्तर, विद्यालय सी में सबसे कम 40% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, किस विद्यालय में 90% से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो 90% से अधिक देखो कौन से, 90 ये है, 90 ये है, 90 से ऊपर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, यानी ये बी है, ये वाला 90 से ऊपर हुआ है, तो इसको टिक कर देता हूं। तो ये लिखना है उत्तर, इसका लिखना है विद्यालय बी में सबसे कम प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि यहाँ उत्तीर्ण प्रतिशतता सबसे अधिक है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर जो है अनुत्तीर्ण का पूछा गया है, सबसे कम, तो सबसे अधिक निकालना है कि सबसे अधिक उत्तीर्ण कहाँ हुए हैं। नंबर चार, कितने विद्यालयों में उत्तीर्ण प्रतिशत 60 या इससे अधिक रही है? तो 60 से अधिक देख लो, 60 ये है, 60 से अधिक में ये 1, 2, 3 है, ये तो तीनों के लिखने हैं नाम। तो विद्यालय ए बी डी ई में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 60 से अधिक है, ये आप लोगों के उत्तर हो जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली 17.2, ये 17.2 दी हुई है, नीचे क्या दिया हुआ है, नंबर एक, नीचे दी गई सारणी में कंपनी के 5 वर्षों की वार्षिक आय दी हुई है, आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाना है। तो वर्ष दिया है 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, और यहाँ क्या दिया हुआ है, 10, 20, 15, 12 और 22, ये दंड आरेख बनाना है। तो मैंने भी क्या करा, वार्षिक आय ये लाख में दे रखा है, तो इसको रुपए में लिख दिया यहाँ पे, और ये पे लिख दिया है इधर वाई एक्स पे है, ये 4, 8, 12, 20, फिर 24, इसमें जो एक खाना है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है वाई एक्स पे, और एक्स एक्स पे ये दंड दिया हुआ 1996, 1997 है, ये 1996, 1997, फिर 1998 आएगा, तो ये 1997 है,
1997, 1998, 1999 और 2000। अब हमें दंड आरेखों को बनाना है, तो देखते हैं कैसे कैसे बनता है हमारा दंड आरेख। तो सबसे पहले देखिए वार्षिक आय 10 है, किसमें है 1996, तो 10 तक का लेके चलना है हमें, तो 10 यहां पर आएगा, ये 10 लिखा हुआ है आपका, तो 10 तक का दंड आरेख बनाना है। देखते हैं दंड आरेख कैसे बनता है, ये 10 तक का दंड आरेख यहां से लेना है आपको, शुरू करना है और इतना बनाना है आपको, ये दंड आरेख बन गया आपका। ये कितना हुआ, ये आपका 1996 का हो गया। अब किसका बनाना, 1997 में 20 है, तो 20 तक का बना के दिखाना है, तो चलिए 20 तक का मैं बना करके दिखाता हूं। तो ये 20 तक का, तो 20 यहां तक है, तो 20 यहां से आएगा आपका, ये यहां से बनाना है यहां तक का लेकर के, ये 20 तक का दंड बना दिया हमने ये। इसके बाद कितना है, 15 तक का है, तो 15 तक का दंड बनाना है आपको। चलिए देखिए 15 तक का दंड कैसे बनता है, ये आपका 10 हो गया, 12, 13, 14, 15 यहां पे आएगा, इस जगह पे 15 आ जाएगा, तो 15 के लिए ये बनाना है आपको दंड। ये 15 तक बन गया है, इसके बाद 12 तक का बनाना है, तो 12 तक ये आपको दिखाई दे रहा है, तो 12 के लिए देखो बना दीजिए इसमें से, 1999 में 12 है, तो 12 ये आ रहा आपका, तो 12 तक का बनाना है आपको, ये देखिए 12 बना रहा हूं मैं, ऐसे ही दंड आपको बना के दिखाना है। इसके बाद 2000 में कितना है, 22 है, तो 22 भी बना दीजिए दंड, देखो कैसे बनेगा, ये दंड है 22 में, 22 बनाना है, तो 22 देखिए ये आ रहा है 22 का, तो 22 का यहां से बनेगा आपको, इस दंड को बना दीजिए, ये आपका दंड बन जाएगा। तो इस तरह से आसानी से दंड बन जाते हैं, इस तरीके से आप लोगों को दंड चित्र बनाने हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, दूसरे प्रश्न पे, ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, निम्न सारणी में अलग अलग टीवी सेट खरीद करके सूची दे रखी है, इन आंकड़ों को दंड आरेख से बताना है, मतलब जो खरीदार हैं उनकी सूची दी हुई है, इधर खरीदार दे रखा परसेंट में और इधर ये PQRST अन्य ब्रांड दिए हुए हैं, अब इनको यहाँ पे लगाना, तो ये YXPM में 5, 10, 15, 20, 25 ये सारे मैंने बना दिए हैं। अब चलते हैं P में 25 है, तो P में 25 का बना करके मैं दिखाता हूं, देखिए 25 ये है, तो P का ये वाला है, तो 25 का ये बना करके दिखाना है, इतना ये P का बन गया है। अब इसके बाद Q में 30 है, तो Q का 30 बना के दिखाना पड़ेगा आपको, तो Q का 30 बना लेते हैं, देखो Q है ये, 30 यहां पे दिखाई दे रहा है, ये आपका 30 यहां तक का बनाना है। क्यू का 30 तक का हो गया। इसके बाद है आर में 15 है, तो देखिए आर का भी बना के दिखा दीजिए 15 तक का, ये 15 तक का हम बना के दिखाएंगे, आर में देखो ये 15 है, तो 15 वाली लाइन यह दिखाई दे रही है आपको, इतना ही खींचना है सिर्फ, ये आपका 15 का हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, फिर एस, एस में आपका कितना 10 दिया हुआ है, तो 10 वाली लाइन लेनी है, ये 10 यहां पे दिखाई दे रहा है, 10 वाली लाइन यहां पे आएगी, तो ये आपको 10 का बनाना है, ये हो गया 10। इसके बाद आपको क्या करना है, 10 हो गया है, 10 के बाद जो है ये टी का भी 10 ही है, तो 10 ले आइए इसमें, चलिए टी में भी 10 ले आते हैं, ये 10 आपका हो गया, देखो ये टी का भी 10 हो गया है, अन्य में भी 10 ही है, तो 10 इसका बना दीजिए, तो 10 यहां भी आ जाएगा आपका, ये देखो 10 आ गया यहां पर भी, अन्य में भी 10 का बना दिया गया है। इस तरह से दंड आरेख बना करके आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो अगला प्रश्न है तीसरा हमारा, तीसरे में क्या कहा है, निम्न सारणी एक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में छात्रों का औसत रक्तांक को दर्शाती है और आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है, तो अंग्रेजी है यहां विषय दिया है, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, हिंदी और इधर औसत प्राप्तांक, देखिए 55 है, 60 है, 65 है, 90 और 70 है, तो यहां पर मैंने अंग्रेजी विषय ले रखे हैं सारे, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और हिंदी, और इधर ले रखा हमने छात्रों का औसत प्राप्तांक प्रतिशत में। अब इसका क्या करना है, हमें दंड आरेख बनाना है, तो पहले 55 का बनाना है, देखो 55 तक का बना के दिखाता हूं मैं,
तो दंड आरेख जिस तरह से मैं बना के दिखा रहा हूँ वैसे आपको कॉपी में ग्राफ पेपर पे बनाएंगे आप लोग। चलिए अंग्रेजी का ये हो गया, कितना आ रहा है अंग्रेजी में, 55 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 50 हो गया और 5 55 यहाँ पे बनेगा, तो ये आपका इतना बड़ा दंड आरेख होगा। ये आपका दंड आरेख बन गया इसका, ये कितना हो गया 55 तक का हो गया। तो यहाँ पे 55 आप लिख सकते हो जिससे कि आपको आसानी रहे देखने में, ये 55 यहाँ पे लिख दिया हमने। इसके बाद है गणित में 60 है, तो गणित पर 60 का बना के लीजिए। तो गणित में 60 बना लेते हैं, तो गणित में 60 ये है देखो, तो 60 में ये यहां तक बनाना है आपको, ये यहां से बनेगा, ये गणित का 60 तक का बन जाएगा। गणित का 60 हो गया है। इसके बाद है विज्ञान, विज्ञान में है 65, तो विज्ञान में 65 तक ले लीजिए। ये विज्ञान का है, इसमें 65 तक ले जाना है। तो 65 तक कहाँ ले जाएंगे, 60 और 5 65 है, तो 65 तक ये ऊपर तक जाएगा, तो इसको ऊपर तक ले जाइए, 60 और 5 65 तक ये पहुंच गया है आपका। देखो ये 65 तक पहुंच रहा है, तो यहाँ पे 65 लिख दीजिए, ये 60 है और ये 5 65 हो गया, यहाँ पे 65 तक पूरा बना देना है आपको। अब इसके बाद जो है फिर सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में 90 तक है, यानी सबसे ज्यादा सामाजिक विज्ञान में, तो सामाजिक विज्ञान को हम ऊपर तक ले जाएंगे। तो चलिए ऊपर तक बना के दिखाता हूं मैं कैसे बनेगा। ये 90 का हो गया, तो 90 बिल्कुल ऊपर तक है बच्चों, तो 90 को ऊपर से लेंगे, ये इस जगह से लेना है आपको। ये बन गया आपका 90 का, ये 90 का बन गया है। इसके बाद है कितना हिंदी में, हिंदी में है आपका 70, तो 70 तक का बनाना है, तो मैं 70 तक का बना के दिखा रहा हूं। ये हिंदी यहां थोड़ी दूर हो गई है, तो हिंदी का 70 तक बना के दिखाना, तो 70 तक ले आइए इसको। तो 70 कहां ये है, तो यहां तक लाना है इसको खींच करके नीचे, तो मैं नीचे तक ले आ रहा हूं इसको। ये देखो 70 तक आ गया है, ये 70 तक हो गया है। तो इस तरह से दंड चित्र आप लोग आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बनाना है। ये यहाँ पर मेरे पास जगह जो है कम थी यहाँ पे, तो मैंने थोड़ी जगह फैला दी है, आप लोग जगह बराबर ही रखने की कोशिश करेंगे। और नीचे से ये सारे बराबर दूरी पे ही होते हैं, तो इन सब की जो ऊंचाइयां होती हैं ये बराबर ही रखेंगे आप। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथा है, चौथे में क्या कुछ दिया हुआ है देखते हैं। ये चौथा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें देखो क्या दिया है। शुभम द्वारा एक सप्ताह प्रातः 11 बजे एक के एकत्रित तापमान इस प्रकार है, उसने एकत्र किया तापमान, सोमवार को 50 डिग्री सी, मंगल को 45, बुध को 40, गुरु को 45, शुक्र को 35, शनि को 40 और रवि को 48 डिग्री सी। अब इन आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करना है। तो ये मैंने सोम मंगल बुध दिन ले लिए हैं सारे, और इधर तापमान ले लिया है 10 20 30 40 50 डिग्री सी ले लिया सारे। तो चलो इसको बना करके देखते हैं कैसे होगा दंड चित्र। सोमवार को 50 है, तो पहले 50 तक का बना लेते हैं हम। ये 50 है, 50 तक का आपको बना के दिखाना है। ये दंड यहां तक आता है, 50 तक का देखो, ये दंड इस प्रकार से बनेगा, ये 50 तक का हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, 45 तक का बनाना है। तो 45 तक बनाने के लिए चलिए देखते हैं, 45 तक लेके आ रहा हूं मैं इसको, ये इसको 45 तक लाना है, 40 और 5 45 है, तो 45 तक मैं लेकर के आ रहा हूं। तो ये यहाँ पे 45 हो जाएगा आपका, इस जगह पे 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर 45 आप लिख भी सकते हो। चलिए 45 है, तो इसको 45 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे कि पता रहे कि हाँ यहाँ पे 45 है। चलिए इसके बाद है 40 पे, फिर अब 40 पे लेके आना है हमें, देखते हैं 40 पे कैसे आएगा। बुधवार को 40 तक लाना है, तो ये 40 तक आ जाएगा आपका, ये नीचे आ गया यहाँ पे देखो, ये 40 तक ले आए। इसके बाद जो है ये बुध का था, गुरु के दिन जो है 45 हो गया, तो ये जू का तो 45 ही आ जाएगा, ये गुरु का देखो 45 आ गया यहाँ पे। इसके बाद शुक्रवार को देखो 35 हो गया है, तो शुक्रवार को लेके चलता हूं मैं, तो ये शुक्रवार का हो गया है, इसको 35 तक लाना है, तो 35 30 ये है, 35 यहां तक आएगा, तो 35 यहां तक ले आइए इसके खींच करके,
ये 35 तक ले आया हूं मैं, देखो ये 35 तक आ गया, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 35 इसको, तो चलिए मैं 35 यहाँ लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको पता रहे कि यहाँ ये 35 तक आया है। इसके बाद आ जाइए, देखिए शनिवार को कितना है, शनिवार को जो है 40 है, तो शनिवार को 40 लेना है, तो शनिवार को 40 लेने की ये 40 ये वाला है, तो ये 40 वाला उठा लेते हैं हम यहाँ से, तो ये आसानी से मेरा चला जाएगा वहां शनिवार को, ये शनिवार का 40 हो गया है। फिर रविवार को 48 है, तो रविवार का 48 ले लेते हैं हम, ये रविवार है यहाँ देखो, ये 48 तक पहुंचाना है इसको, तो 40 तो है, 45 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, तो ये आ गया 45 पे, 45 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ये, यहाँ पे 48 हो गया, तो ये आपका रविवार का 48 हो गया। इस प्रकार से ये दम चित्र आप लोग आसानी से बना लेंगे। ध्यान रखना एक्स एक्स ये होता है, एक्स एक्स पे दिन रखेंगे, वाई एक्स पे तापमान रखेंगे, और ये पैमाना भी लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला आ रहा है, औसत या समांतर माध्य निकालने का, यानी कि प्रेक्षणों का योगफल। सूत्र होता है औसत या समांतर माध्य का, प्रेक्षणों का योगफल ले लेते हैं और बटे प्रेक्षणों की संख्या ले लेते हैं। एक ये उदाहरण 5 दिया हुआ है, उदाहरण 4 दिया हुआ है, देखो ये उदाहरण 4 है। एक फल की दुकान पर 5 टोकरियां में जो है क्या क्या रखा हुआ है, 46 किलोग्राम है, 21 किलोग्राम है, 18 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम है तथा 35 किलोग्राम सेब रखे हैं, इनका समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का वही सूत्र होता है ऊपर वाला, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर जो है कुल संख्याओं का योगफल, बटे कुल संख्या। चलिए कुल संख्याओं का योगफल देखते हैं, पहले 46 किलोग्राम है, ये 46 ले लेंगे प्लस, फिर है ये 21 किलोग्राम, फिर है 18 किलोग्राम, फिर है 25 किलोग्राम और फिर है 35 किलोग्राम। कुल कितने होने चाहिए, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो बटे में हम 5 कर देंगे, तो ये पूरे बटे में 5 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ के देखते हैं कितना आता है, ये जोड़ करके जो आएगा ये 145 आ जाएगा और बटे में 5 आ जाएगा, तो भाग देंगे तो 5 × 10 और 5 × 45, तो ये औसत माध्य जो है इतने किलोग्राम आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे देखते हैं हम लोग, ये उदाहरण नंबर 5 है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8, 9 और 10। तो समांतर माध्य निकल लीजिए, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या देखो 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 और कितने से भाग देना है इसको, कुल संख्याएं 10 है तो 10 से इसको भाग दिया जाएगा। चलो इसको जोड़ करके देखते हैं कितना आता है, इनको जोड़ने पर 55 आता है हमेशा और बटे ये 10 हो जाएगा, तो कुल कितना हो गया, 5.5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 6 है, उदाहरण 56 में दिया हुआ है, दिए गए आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। तो पहले संख्याएं देख लो क्या है, 21 है, 23 है, 28 है, 25 है, 23 है, फिर 30 है, फिर 23 है, तो संख्याएं लिख लेते हैं हम संख्याएं, और इधर लिख देते हैं बारंबारता,
तो संख्या क्या क्या है, एक तो 21 है, इसके बाद 22 भी नहीं है 23 है, इसके बाद 24 भी नहीं है 25 है, फिर 26 भी नहीं है 27 भी नहीं है 28 है, इसके बाद 30 है। इनको देख लेते हैं 21 कितनी बार आया, देखो एक 21 केवल एक बार है तो यहां बारंबारता इसकी एक है। इसके बाद 23 देखिए 23 एक बार आया हुआ है और एक ये बार दो बार हो गया और एक ये तीन बार हो गया तो इसकी बारंबारता तीन हो गई। इसके बाद देखिए 25 25 केवल एक बार ही दिखाई दे रहा है तो इसको एक लिख दीजिए। इसके बाद देखिए आगे 28 कितनी बार है, ये भी एक ही बार दिख रहा है तो इसमें भी एक लिख दीजिए। 30 भी हमारा एक ही बार दिख रहा है तो यहाँ एक लिखिएगा। इसका मतलब सारी संख्याएं आ गई। तो बहुलक जो है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अधिक कितनी है तीन है, तो बहुलक हमारा क्या हो गया 23 हो गया। तो यहां लिखेंगे बहुलक बराबर 23, क्योंकि इसकी बारंबारता तीन है, सबसे अधिक बार आया है यही इसका बहुलक होता है और यही आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 7 दिया हुआ है, एक फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा जूतों के नाम के नंबर दिए गए हैं। तो ये दिया है 6, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 5, ये सब नंबर दिए, इनका बहुलक ज्ञात करना। तो पहले क्या करेंगे, हम नंबर लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं बारंबारता। चलिए नंबर सबसे छोटा 4 है तो पहले 4 नंबर का लिख लेते हैं, फिर 5 लिख लेते हैं, फिर 6 लिख लेते हैं, फिर 7 लिख लेते हैं, फिर 8 लिख लेते हैं। चलो देखते हैं पहले 4 को गिन लेते हैं। 4 यहाँ एक है, बस एक ही दिखाई दे रहा था, इसके आगे एक ही लिख दीजिए। 5 नंबर को देखिए, एक यहाँ है, 2 हो गया, 5 नंबर की 2 ही है तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या आता है 6 नंबर, तो 6 नंबर में 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 हो गया, तो 6 नंबर के आगे 4 लिख देते हैं। 7 नंबर में देखिए 1 है, 2 है और एक ये 3 है, तो 7 नंबर के आगे 3 लिख देते हैं। 8 नंबर में देखिए केवल एक ही दिख रहा है तो 8 नंबर के आगे 1 है। तो बारंबारता सबसे अधिक जो है वो ये है और किसकी है 6 की है, तो बहुलक क्या हो गया 6। बहुलक का मतलब हो गया 6, यानी के 6 नंबर के जूतों की संख्या सबसे अधिक है, कितनी है 4 है, तो ये आपका आंसर हो गया। उदाहरण नंबर 9 पर चलने से पहले कुछ देख लेते हैं। जब दिए गए आंकड़ों की संख्या विषम होती है तो सर्वप्रथम उसको आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में लिखते हैं, और क्रम में लिखने के बाद माध्यिका का सूत्र लगाते हैं n+1/2 वहां पद का मान निकाल करके प्राप्त कर लेते हैं माध्यिका। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका हमें माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं, तो आरोही क्रम में लिखने पर चलिए देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, 3 है, देखो तो 3 लिख लेंगे हम। 3 के बाद कौन आ रहा है, 5 आ रहा है, देखो 5 लिखा जाएगा, पहले इस पर टिक करते रहो, 5 लिख लिया हमने। 5 के बाद इससे बड़ा कौन है, 6 आ रहा है, कहीं ये रहा 6 तो 6 लिख दीजिए। 7 कहीं है तो 7 ये है तो लिख दीजिए 7। 8 कहीं है तो ये 8 है, 8 लिखा गया। फिर 9 कहीं है, ये रहा 9। फिर 10 है कहीं, ये 10 लिखा हुआ है, 10 लिख दीजिए। 11 है कहीं, देखो 11 ये है, इसको 11 भी लिख दीजिए। फिर इसके बाद 12 भी है तो 12 भी लिख दीजिए। फिर इसके बाद 13 है तो 13 भी लिख दीजिए। इसके बाद 14 है तो 14 भी लिख देते हैं, लो सारे लिखे गए। अब इसमें जरा गिनती कर लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तो 11 संख्याएं इसके अंदर हैं, तो n का मान 11 हो गया। क्या है ये, विषम है, विषम संख्या। तो माध्यिका पद निकालेंगे, अब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1/2 वहां पद। कैसे निकलेगा n प्लस, तो 11+1/2 यानी कि कितना हो गया 12/2 हो गया, यानी कि 6वां पद। तो 6वां पद गिन लीजिए, पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ये छठा पद है आपका। तो 6वां पद कितना हो गया 9 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं सम होने पर क्या होता है। जब दिए गए आंकड़े सम संख्या में हैं तो उन्हें आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मेनली हम आरोही क्रम में ही लिखते हैं, पर दो संख्याएं प्राप्त होती हैं और ऐसी स्थिति में हम उन दोनों का माध्य निकाल लेते हैं तो माध्यिका कहलाती है। तो ये हो गया एन बटे दो वां पद प्लस एन बटे दो प्लस वन वां पद बटे में दो कर देंगे तो ये माध्यिका निकल जाएगी। चलिए संख्याएं दे रखी है तो पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखने पर चलो ये आरोही क्रम में लिखो। तो सबसे छोटा चार है तो चार पे टिक भी कर देना और चार लिख भी देना। चार के बाद पांच आ रहा है, देखो पांच यहां पर है। इसके बाद छह देखो, ये रहा छह। सात है कहीं नहीं है, छोड़ दो। आठ है, आठ ये लिखा हुआ है। नौ है, ये नौ लिखा हुआ है। दस है, दस नहीं दिखाई दे रहा। ग्यारह नहीं है। बारह है हमारे पास, तो बारह यहां लिख दीजिए। तो संख्याएं गिन लो, एक दो तीन चार पांच छह संख्या हो गई। तो n बराबर कितना हो गया, छह, यानी क्या हो गया, ये सम हो गया। तो माध्यिका पद निकालेंगे, यानी माध्यिका कैसे निकलेगा, n बटे दोवां पद प्लस n बटे दो प्लस वनवां पद और बटे में क्या हो जाएगा, दो आ जाएगा। चलिए n बराबर देख लीजिए कितना है, n बटे दो का मतलब कितना हो गया, n गिनने के लिए तब छह दिया था तो छह बटे दो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। दो एकम दो, दो तीन छह, तीन। तो यहां कितना आ जाएगा, तीनवा पद आ जाएगा, ठीक है ना, तीनवा पद प्लस चौथा पद और बटे में कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो देखिए तीसरा पद कौन सा है, एक दो तीन आ गया, छह है और इससे अगले वाला आठ है, बटे दो कर दीजिए तो आठ और छह कितना हो गया, चौदह बटे दो यानी सात हो जाएगी माध्यिका। तो माध्यिका को हम एमडी से दिखाते हैं तो एमडी बराबर कितना आ गया, सात, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 17.3 है। समांतर माध्य निकालना है इन सबका, तो समांतर माध्य के लिए सूत्र लगा देते हैं। समांतर माध्य बराबर कितना हो जाएगा, यह आता है संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। चलिए संख्याओं का योगफल लेते हैं, सबसे पहले 81 है तो यहाँ पे 81 लिख दीजिए। इसके बाद 74 है तो यहाँ 74 हो गया। इसके बाद 69 है तो यहाँ 69 हो गया। इसके बाद 73 है तो यहाँ 73 हो गया। और इसके बाद 91 है तो ये 91 लिखा जाएगा। फिर प्लस 55 है तो 55 भी लिखा जाएगा और प्लस 61 है तो 61 भी लिखा जाएगा यहाँ पे। और बटे संख्याएं कितने हैं वो भी गिनना है मैम। तो संख्या एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच, छह और सात, तो बटे में सात आ जाएगा। तो पहले इन सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे जो संख्याओं का योगफल आएगा ये 504 आ जाएगा और बटे में सात आ जाएगा। तो इसको भाग देना है 504 को हमें सात से, तो ये आ जाएगा 72। तो ये आपका आंसर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हम, ये दिया है 70 प्रश्न नंबर दो है, 50 और 70 के मध्य सम संख्याओं का माध्य निकाल लिखो। तो लिखते हैं पहले 50 से 70 के मध्य सम संख्याएं। देखो कितना कितना हो जाएगा, एक तो 52 हो जाएगा, एक 54 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, इसके बाद 60 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 66 हो जाएगा और 68 हो जाएगा। 70 को नहीं लेंगे क्योंकि इसके मध्य की बात कर रहा है। तो हम लेते हैं यहाँ पे माध्य निकालना है तो वही समांतर माध्य कहलाता है या माध्य कह लो। तो यहाँ हम लिखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या होता है,
कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। चलिए कुल संख्याओं का योगफल देखते हैं क्या है। यहां पे पहले 52 है तो यहां 52 आ जाएगा प्लस, यहां पे 54 है तो यहां पे 54 हो जाएगा प्लस, यहां पे कितना है 56 है तो यहां 56 हो जाएगा प्लस, यहां कितना है 58 है तो इसमें 58 लिख देंगे हम, फिर यहां पे कितना है 60 है तो यहां पे 60 लिख देंगे हम प्लस, यहां पे 62 है तो यहां पे 62 लिखा जाएगा, यहां पे 64 है तो यहां पे 64 लिखा जाएगा, यहां पे 66 है तो ये 66 भी लिखा जाएगा प्लस, 68 है तो ये 68 भी यहां पे लिखा जाएगा और बटे में फिर संख्याएं देखेंगे कितनी संख्याएं हैं। ये बटे की लाइन हो गई तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया। तो कुल संख्याएं नौ है तो नौ से हमें भाग देना है। तो सबसे पहले योगफल निकालना है, किसका योगफल निकालना है, 52 है पहले, फिर 54 है, फिर इसके बाद 56 है, फिर 58 है, फिर 60 है, फिर 62 है, फिर 64 है, फिर 66 है, फिर 68 है। तो कुल मिलाकर के ये 540 आ जाएगा, ये 540 बटे 9, तो 9 छिंग 54, 6 9 54 या 6 बार कटेगा और ये 60 और आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के इसका समांतर माध्य 60 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर देते हैं, माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका के लिए क्या कहते हैं, पहले हम आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, चलिए आरोही क्रम में देखो सबसे कम कौन सा है, चार है, तो पहले चार लिख लेते हैं, चार लिखा गया, फिर पांच है देखो, फिर इसके बाद छह लिखना है, ये रहा छह, फिर इसके बाद सात का नंबर है तो सात आ जाएगा, फिर इसके बाद आठ है कहीं नहीं है छोड़ देंगे, तो फिर नौ लिखेंगे, फिर दस है कहीं, ये रहा दस, दस भी लिख लीजिए, फिर इसके बाद ग्यारह नहीं है, बारह भी नहीं है, तेरह भी नहीं है, चौदह है तो चौदह भी लिख लीजिए, फिर इसके बाद पंद्रह है तो ये पंद्रह भी लिख दीजिए। ऐसा करने से सारी संख्याएं लिखी जाती हैं। तो इसमें संख्याएं गिन लीजिए कितनी है, तो एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच, छह, सात और आठ, यानी एन का मान कितना हो गया, आठ हो गई और ये सम संख्या है। तो माध्यिका निकालना है, माध्यिका का जो सूत्र होता है क्या हो जाएगा, एन बटे दोवां पद प्लस एन बटे दो प्लस वनवां पद, और बटे में कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो एन बटे दो, एन बटे दो का मान इधर निकाल दे रहा हूं तो आठ बटे दो यानी कि चार हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, चौथा पद आ जाएगा प्लस पांचवा पद, और बटे में कितना हो जाएगा, दो आ जाएगा। देखो चौथा पद कौन सा है, ये है सात, तो यहां सात हो जाएगा, और पांचवा पद नौ है तो इसको नौ लिख लेंगे और बटे में दो कर देंगे, तो जरा जोड़ लेते हैं, नौ और सात सोलह हो गया, बटे दो काट दें, दो अटे सोलह यानी आठ हो गया। तो माध्यिका पद हमारा, माध्यिका कितनी हो गई, आठ हो गई। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर चार में, कक्षा ग्यारह ग्यारह छात्रों का भार दिया हुआ किलोग्राम में, ये दिया हुआ है तो इसकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए पहले बच्चों इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखें, यानी आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, तो जरा देखते हैं क्या हो गया। तो 25 मेरे ख्याल से सबसे छोटा है, तो जरा 25 से चालू कर रहा हूं मैं, 25 हो गया, देखो 26 है कहीं, ये है 26, 25 पे भी टिक कर लो, 27 देखिए कहीं है, 27 ये है, फिर इसके बाद 28 भी है, फिर इसके बाद 29 भी है, फिर 30 भी है, 31 भी है, 32 भी है, फिर 33 देख लो, 33 नहीं है, 34 है, फिर यहां 34 लिखिए,
फिर 35, ये रहा 35, फिर आगे लास्ट में एक 41 बच रहा है, तो इसको 41 भी लिख लीजिए। संख्याओं को गिन लीजिए, एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच हो गई, छह हो गई, सात हो गई, आठ हो गई, नौ हो गई, दस हो गई और ये 11 हो गई। तो संख्याएं क्या है? विषम है, यानी एन बराबर कितना हो गया? 11 विषम संख्या हो गई। तो माध्यिका निकालनी है, माध्यिका का जो सूत्र है वो कितना हो जाएगा? एन प्लस वन बटे दो वां पद। तो एन कितना है हमारे पास? एन तो 11 हो गया, तो 11 प्लस एक बटे दो यानी कि 12 बटे दो यानी के छठा पद हो जाएगा, छठवां पद ले लेते हैं। छठवां पद गिन लेते हैं कौन सा है, तो देखो ये है छठा पद, तो 30 है, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, कक्षा 8वीं के छात्रों ने विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए, ये विज्ञान प्रतियोगिता में इसकी माध्यिका ज्ञात करनी। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा इसको आरोही क्रम में लिखने पर, यहां लिखना है आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम लिखिए। सबसे पहले छोटा देखिए, 61 है, 61 से छोटा कोई है? 52 है, तो 52 से चालू कर रहा हूं मैं, देखिए यहां से 52 लिख रहा हूं, 52 के बाद 53 है कहीं? नहीं है, 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 57 58 59 60 है? नहीं है, 60 भी, 61 से है शुरू। देखो तो ये 61 हो गया, तो इसको 61 को लिख लीजिए, फिर एक और 61 दिखाई दे रहा है तो इसको भी लिख लीजिए 61 हो गया। इसके बाद आ जाएगा 61 के बाद 62 भी नहीं है, 63 भी नहीं है, 64 भी नहीं है, 65 भी नहीं है, 66 भी नहीं है, 67 68 69 70 नहीं है, 71 भी नहीं है, 72 भी नहीं है, 73 से शुरू हो रहा है ये रहा 73, तो 73 लिख दीजिए, फिर 74 नहीं है, 75 नहीं है, 76 है लिख दीजिए 76, फिर 77 देखिए नहीं है, 78 भी नहीं है, ये रहे 79, फिर 80 पे आ जाइए, 80 81 82 83 दिखाई दे रहा है 83 लिख लिया हमने। क्या छूट गया हमारा? 67 छूट गया है, तो 67 कहाँ आना चाहिए था? यहां पे आना चाहिए था 67, तो चलो यहां पे 67 को लिख लेते हैं। सड़सठ को लिख लिया, यहाँ पे 67 भी हो गया है। अब क्या बचा रह गया हमारा? 48 और बचा रह गया, तो 48 पहले लिखा जाएगा, तो ये 48 यहाँ आ गया। चलिए सारे लिखे गए, गिनती कर लेते हैं इनकी, एक हो गया, ये दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, 9। तो n बराबर हो गया 9, यानी क्या चीज होगी? विषम संख्या होगी, विषम हो गया, तो माध्यिका निकल जाएगी, माध्यिका बराबर हो जाएगा एन प्लस वन बटे दो वां पद। चलिए निकालते हैं, एन कितना है? 9 है, तो 9 प्लस एक बटे दो यानी 10 बटे दो यानी पांचवा पद। चलिए पांचवा पद देखिए कौन सा है, पांचवा पद ये है जो लिखा नहीं गया था, बीच में घुसाया हमने 67, ये आ गया 67 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं छठे प्रश्न में, निम्न आंकड़ों से बहुलक प्राप्त करिए। तो बहुलक देखने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटी संख्या देखिए क्या, एक से शुरू हो रही है, तो पहले हम लिख लेते हैं यहां संख्या लिख लेते हैं और इधर बारंबारता लिख लेते हैं। तो पहले एक है, दो भी है कहीं क्या? इसमें दो कहीं नहीं दिख रही है। तीन है, चार है कहीं इसमें? चार भी नहीं दिख रही है। पांच है, पांच हो गया, पांच के बाद छह है इसमें? नहीं दिख रहा है छह। सात है, आठ भी नहीं दिख रही है। नौ है, चलिए लिखते हैं, पहले नंबर एक को देखते हैं, तो एक दो तीन एक चार एक पांच और एक ये छह है, तो एक की बारंबारता छह हुई। अब देखते हैं तीन कितना है, तो एक दो तीन एक चार, चार है इसकी बारंबारता, चार लिख दीजिए।
अब पांच को देखते हैं तो पांच है एक, दो है एक, तीन चार पांच और एक छ और एक सात, एक ये आठ, इसकी बारंबारता आठ है। अब देख लीजिए सात, तो सात कहाँ है, एक है, दो हो गया, एक तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छ हो गया, इसकी बारंबारता छ हो गई। इसके बाद देख लीजिए नौ, तो एक दो तीन चार और एक पांच और एक छ, ये हो गई छ। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, पांच की है। तो यहां लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, पांच की है, पांच की आठ है। तो क्या बताना हमें, बहुलक, बहुलक कितना हो जाएगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है इसकी अधिक है, तो ये बहुलक हुआ इसमें, तो बहुलक हो जाएगा पांच और ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर सात की तरफ। निम्न बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसमें भी संख्याएं देख लो कौन कौन सी हैं। तो पहले यहां संख्या लिख लीजिए, फिर बारंबारता लिख लीजिए। तो संख्या पहले दो दिखाई दे रही है हमें, फिर तीन भी दिखाई दे रही है, फिर चार भी दिखाई दे रही है और फिर पांच भी दिखाई दे रही है। चलिए बारंबारता देखते हैं पहले दो का, एक दो, बस दो ही दिखाई दे रही, तो दो बारंबारता हो गई। तीन का देखो, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया और ये पांच हो गया, तो यहाँ पर पांच लिख दीजिए। इसके बाद चार की बारंबारता देखते हैं, एक हो गया, दो हो गया, इसकी बारंबारता दो हो गई। पांच की देखिए, पांच एक हो गया, दो हो गया और ये तीन हो गया, तो बारंबारता इसकी तीन हो गई। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तीन की पांच है। तो यहां लिखेंगे सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तीन की पांच है। तो क्या हुई, बहुलक वही होगा, बहुलक इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, तो बहुलक हमारा तीन हुआ, बहुलक बराबर तीन और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर आठ की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम पांच विषम प्राकृतिक समांतर माध्य बताना है, इन संख्याओं का विषम प्राकृतिक संख्याएं लिख लेते हैं। चलिए विषम पांच निकालनी है तो पांच लिख लेते हैं। पहले एक आएगा, फिर तीन आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, पांच आ जाएगा, फिर सात हो जाएगा, तो एक दो तीन चार हो गया और ये पांचवी नौ हो जाएगी। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योगफल बटे इसका हो जाएगा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस का फाइव हो जाएगा, प्लस का सेवन, प्लस का नाइन और बटे कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा। इनका योगफल जो है वो पच्चीस आता है और बटे पांच हो जाएगा, तो पांच पंजे पच्चीस और यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए एक अंतिम प्रश्न और दिखाई दे रहा है आपका, इसमें दिए संख्याएं दे रखी हैं, इसका समांतर माध्य सात है, तो माध्य लिख लीजिए, माध्य से मतलब समांतर माध्य, ये सात है। तो माध्य का सूत्र लिख लेते हैं, माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। चलिए माध्य तो हमें दिया हुआ है सात, कुल संख्याएं देख लेते हैं, एक तो आठ दिया हुआ है, फिर पांच दिया हुआ है, फिर एक्स दिया हुआ है, फिर छह दिया हुआ है, फिर आपका दस दिया हुआ है और फिर इसका पांच दिया हुआ है। बटे में कितना है संख्याएं, गिन लीजिए, एक दो तीन चार पांच छह संख्याएं दे रखी, तो छह से भाग कर देंगे
तो 6 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 7 × 6 बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने में देखते हैं क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है हमें, इन सबको हम जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले है 8, फिर हमारे पास है 5, फिर है आपके पास 6, फिर इसके बाद 10 है, फिर है आपके पास 5, तो कुल मिलाकर के ये 34 हो जाएंगे। तो यहाँ 34 + x हो जाएगा, तो 6 × 7 = 42 हो गया, और यहाँ 34 + x हो गया। इसको आप 34 + x ऐसे करके 42 कर लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 42 − 34, घटा के कितना आ गया देख लीजिए, 12 में से 4 गए तो 8 बच गया, और ये बचा 3 में से 3 गया कुछ नहीं, और यही x का मान हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है, नीचे आपको लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करेंगे और मुझे कमेंट्स भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।